तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो कहानी अब तक की सबसे हटकर कहानी है। इस कहानी में मैं आपको ले चलूंगा पिछले पुराने दशक में 1969 में। और आप इतना तो जानते ही हैं कि पुराने जमाने में जो किस्से कहानियां होती थी उन्हें सुनकर तो अच्छे अच्छे लोग भी डर जाते हैं। लेकिन कहानी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो आप कहानियां सुनने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम रोहित है, मैं वैसे दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो घटना मेरे गांव से जुड़ी है। और आपको बता दूँ कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। वैसे मेरे गांव का नाम बेनीपुर है और मेरे गांव के आसपास के 40 गांव में से ये सबसे भूतिया माना जाता है। वो गांव मेरे परदादा जी के पिताजी ने बसाया हुआ था क्योंकि वो दरभंगा के राजा के दरबारी थे, जो कि बेनीपुर की जमीन राजा जी ने तोहफे में मेरे परदादा जी के पिताजी को दी थी। उस वक्त उन्होंने ये समाज के कल्याण हेतु दान कर दी थी। इसके बाद से हमारे खानदान के पास 24 एकड़ जमीन रह गई। मेरे खानदान को वरदान मिला है कि हमारे वंशज में दो बेटे जरूर होंगे। तब से परदादा के भी दो भाई थे, दादाजी के भी दो भाई हैं और मेरे पिताजी भी दो भाई हैं। वैसे हम लोग भी दो भाई ही हैं। लेकिन अब हम अपनी कहानी की बात करते हैं। ये बात 1992 की है जब मेरे छोटे दादाजी जिनका नाम बानेश्वर है उन्होंने मेरे दादाजी पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कर दिया था। वो केस जमीन को लेकर था, 22 एकड़ जमीन के बंटवारे के लिए जो कि पहले 24 एकड़ बताई थी। तो परदादाजी के भाई और उनके प्रेम भाव से 12-12 एकड़ कानूनी रूप से बंटवारा हुआ। वैसे आज हमारे वहाँ रिश्तेदार ही रहते हैं। तो इस जमीन का बंटवारा होने के बाद 12 एकड़ मेरे दादाजी के हक में आया और दादाजी ने ठीक सही तरीके से बराबर कानूनी रूप से बांट दिया था। लेकिन यही बात मेरे छोटे दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और ठीक मेरे छोटे दादाजी की पत्नी वो जिस गांव की थी, कहा जाता है कि वहां एक डायन का कहर था। वहां की एक शहरी दंत कथा है कि उस गांव की महिलाएं काले जादू का अभ्यास करती थी। वहां के गांव में पुराने समय में छोटे बच्चे को गायब करने के बाद चढ़ा दिया करती थी। इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर उस गांव ने 1969 के आसपास 16 महिलाओं को जिंदा जला दिया था। कहा जाता है तब से वो गांव श्रापित हो गया। और आपको बता दूं ऐसा वहां के लोगों का कहना है, क्योंकि ये सब आपको किताबों में नहीं मिलेगा, पर आप जब वहां पर जाएंगे तो वहां के बड़े बुजुर्ग इस बात को सही साबित कर देंगे। फिलहाल आज 2021 में भी वो गाँव भूतिया ही माना जाता है। मेरे छोटे दादाजी की पत्नी यानी मेरी छोटी दादी को भी काला जादू आता था, पर वो जब तक भी रही मेरी दादी गांव में कभी चैन से नहीं रही थी। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं 1969 के बाद मेरे दादाजी की नौकरी संसद भवन में लग गई थी। वो वहां लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत थे और ठीक उसी दौरान वो और दादी 3 या 4 महीने में गाँव जाते थे। उसी वक्त बंटवारा भी हुआ था। सब कुछ हो जाने के बाद बंटवारे की अगली रात से ही दादी को रात में बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें रात के करीबन 3 बजे अजीब सी बदबू आती थी, जैसे किसी की सड़ी हुई लाश में से आती है। वैसे भी हमारे गांव वाला घर काफी बड़ा है और पूरे घर में बदबू फैल जाती थी। इन सब चीजों के साथ साथ उन्हें काफी अजीब अजीब सपने भी आने लगे। वो सपने में अक्सर दादाजी को मरते हुए देखती। ये सब कुछ तकरीबन 5 दिन तक चलता रहा। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए उन्होंने मेरे दादाजी को सब कुछ बताया तो वो सारी बात समझ चुके थे। फिर उन्होंने गांव वाले घर में महादेव जी का अभिषेक पाठ करवाया। उस पूजा में सब लोग आए थे लेकिन मेरी छोटी दादी नहीं आई। वो पूजा उन दिनों 11 दिन तक चली। फिर पूजा समापन वाले दिन मेरे दादाजी के पिताजी आए हुए थे। उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरी दादी के पिताजी वाराणसी के बहुत बड़े महापंडित थे। उन्हें शिव तांडव का स्रोत मुंह जुबानी याद था। लोगों का कहना था कि दादी जी के पिताजी को महादेव जी ने खुद दर्शन दिया था, तभी तो कोई भी भूत प्रेत हो या फिर काला जादू वो सब कुछ दूर कर देते थे। तो
तो ठीक समापन वाले दिन पर आते ही वो समझ गए थे कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। और जो कुछ भी इस घर में हो रहा था वो कहां से हो रहा है। मेरे दादाजी के पिताजी घर के सभी लोगों को लेकर छोटे दादाजी के घर चले गए। उन्होंने कहा कि ये भोलेनाथ की भस्म छोटे दादाजी के घर पर छिड़कना बेहद जरूरी है। और जब उन्होंने छोटे दादाजी के घर के आंगन में उस भस्म को छिड़की तो अचानक ही छोटी दादी को खून की उल्टियां होने लगी। वो दौड़कर आंगन में आई और कहने लगी कि ये क्या वाहियात चीजें कर रहे हो और यहाँ क्यों आए हो। पर छोटे दादाजी को सब कुछ पता था कि उनकी पत्नी काला जादू जानती है। फिर मेरे दादी के पिताजी ने वो भस्म छोटे दादाजी को देकर कहा कि तुम इस भस्म का टीका अंदर जाकर अपनी पत्नी को लगा दो। छोटी दादी ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो सीधा अपने कमरे में भाग गई और खुद को अंदर से बंद कर लिया। बाकी सारे लोग दरवाजे के बाहर ही खड़े हो रखे थे। काफी मनाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। इसके बाद दरवाजे को तोड़ दिया गया और जब दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि छोटी दादी जी ने फांसी लगा ली थी। उस वक्त उनके हाथ में एक काला त्रिशूल जैसा निशान खून से बना हुआ था। वहां पर हवन वाली आग जल रही थी और कुछ काले कपड़े गुड्डे गुड़िया रखी हुई थी। कुछ कागज भी पड़े हुए थे जिनमें काला जादू के मंत्र लिखे हुए थे। दोस्तों इसके बाद ये बात सबको पता लग गई कि जिसके कारण छोटे दादा के परिवार की बहुत बदनामी हुई। इन सब के बाद दादी का दाह संस्कार कर दिया गया। इसके ठीक बाद से ही हमारे गांव में हमारे वंश के लोगों को ही हमारे ही खेतों में जलाया जाता था जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वैसे उस दिन के बाद से छोटे दादाजी ने वो घर तुड़वाकर वहां पर एक मंदिर बना दिया है। और तो और जमीन की रखवाली के लिए उन्होंने वहां कई मजदूरों को भी रखा है। इन सब चीजों के हो जाने के बाद उन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया था। उस वक्त मैं काफी छोटा था, मुझे तो इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों ये थी रोहित जी की कहानी। वैसे ये कहानी अब तक की सभी कहानियों से हटकर है। इस कहानी को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई इतिहास की कहानी हो। खैर जो कुछ भी है आप सभी के सामने है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी कहानी की तरफ जिसे बताने वाले ने अपना नाम तो नहीं बताया, बस उन्होंने इतना ही कहा है कि ये पंकज भैया की कहानी है। उन्होंने हमें ये भी बताया है कि वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने मेरी कहानियां सुनने के बाद अपनी कहानी शेयर की है। आइए सुनते हैं। दोस्तों ये बात उन दिनों की है जब पंकज भैया और उनके साथ में एक हेल्पर वो दोनों हमारे घर पर आए थे। तो उन दिनों मैं भी उन लोगों के साथ ही रात में सो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम तीनों महेश जी की कहानियां सुन रहे थे तभी पंकज भैया ने उनके साथ घटी हुई एक सच्ची घटना सुनाई। उन दिनों पंकज भैया की उम्र करीब 17 या 18 साल की रही होगी और उनके गांव में बच्चों को सुबह के समय बेर के फल उठाने का बेहद शौक था। वैसे उनकी लोकल भाषा में बेर को बगोरी भी कहा जाता है। तो ठीक जो सुबह सुबह जितनी जल्दी वहां पहुंच जाया करता है उतनी ही जल्दी उतने ही ज्यादा बेर उसे उठाने को मिलते हैं। एक दिन हुआ यूं कि सुबह का समय था जब मुर्गे ने पहला ही बांग दिया था कि पंकज भैया उठे और बिना घड़ी में समय देखे अपने घर से निकल गए। वो चलते हुए उन पेड़ों के पास पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तब उनकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो कि पहले से ही वही बेर के फल उठा रही थी। पंकज भैया उसे देखकर ये सोचने लगे कि शायद ये औरत यही आसपास के गांव की होगी, इसीलिए उन्होंने उस औरत को नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप बेर उठाने में लग गए। उन्होंने कुछ ही बेर उठाए होंगे कि उनकी नजर उस औरत पर पड़ी। वो औरत बेर तो उठा रही थी लेकिन उसके पीछे भी काफी बेर पड़े हुए थे, पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। पंकज भैया ने सोचा कि चलो इन्हें मैं ही उठा लेता हूं। वो बिना कुछ बोले उस औरत के पीछे बचे हुए बेरों को उठाने लगे। बेर उठाते उठाते वो उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वहां पर एक इमली का भी पेड़ था। वो औरत जब उस पेड़ के पास पहुंची तो सीधे उस पेड़ पर खड़ी हो गई और तो और उस पेड़ पर ऐसे चलने लगी मानो किसी जमीन पर चल रही हो। इसके बाद तो वो औरत ऊपर पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ गई। पंकज भैया एक तक उसे देखे जा रहे थे। उन्होंने उस वक्त आओ देखा ना ताओ सीधा वहां से अपने घर की ओर भागने लगे। भागते भागते वो किसी तरह अपने घर पहुंच गए थे।
लेकिन घर पहुंचने के बाद उन्हें काफी तेज बुखार आ गया था। तब जाकर उनके घर वालों ने उन्हें एक बाबा जी को दिखाया। उन बाबा जी ने भैया को एक काला धागा बांध दिया जिसमें ऐसी शक्तियां थी जिससे कोई भी बुरी शक्ति दूर रहती है। भैया इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्हें तो आज भी यकीन नहीं आता कि क्या ऐसा सच में हुआ था। वैसे उस दिन के बाद से वो कभी भी बेर उठाने नहीं गए, और अगर कभी कभार उठ भी जाते हैं तो सबसे पहले सीधा घड़ी की तरफ देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पंकज भैया आपके सभी सब्सक्राइबर में से एक है। तो दोस्तों, ये थी पंकज की कहानी। मैं उनका और सभी YouTube फैमिली का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अपना समझकर सब्सक्राइब कर रखा है। इसीलिए तो मैं लगातार आपके लिए कहानियां लाता ही रहता हूँ। हालांकि कई बार देर हो जाती है, लेकिन कुछ समस्याएं हमारी भी तो होती हैं। खैर छोड़िए, वैसे अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैं मिलता रहूंगा आपको कुछ और कहानियों में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।